दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UCC के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। एक्चुअली ये कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है और इधर हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी UCC की चर्चा और वकालत बहुत ज़ोर शोर से किए थे। तब से यह बहुत चर्चा में है। फिलहाल अभी जो घटनाक्रम राजनीति में हो रहे हैं महाराष्ट्र में वगैरह में, जिसके वजह से इसकी चर्चा थोड़ी कम हो रही है मीडिया में, नहीं तो ये मुद्दा जोरों पर था। आज हम इसके बारे में पूरे तफसील से बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने और समझाने वाला हूं। और ये UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बीच में क्या क्या मुश्किलें आने वाली है, क्या क्या पेचीदगियां आने वाली है, किस वजह से, मतलब ये बोलने में आसान लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनाना है, लागू करना है, पर इसमें क्या क्या पेचीदगियाँ हैं उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। आप अगर पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो आपको UCC के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरी जानकारी आपको हासिल हो जाएगी, फिर आपको दूसरा वीडियो कोई भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर आपको इतनी गहराई से नहीं बता पाएगा कोई, क्योंकि उसके लिए हमने मेहनत की है, उसके लिए हमने कुछ पेजेस में लिखा है, तैयार किया है, नोट्स तैयार किया है, और मैं उसी के आधार पे मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको समझना है UCC क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग UCC को नहीं समझ पाते हैं, खास करके ग्रामीण जनता और शहरी जनता भी, बहुत लोग जो हैं बस सीधा समझ रहे हैं सबके लिए एक जैसा कानून, बस यही एक बात है जो सब लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन और इसके अंदर क्या क्या पेचीदगियाँ हैं मैं उसके बारे में सारी बातें आपसे करने वाला हूं। दोस्तों फिर से आपको नमस्कार, और मैं अब शुरू करता हूं UCC के बारे में अपना बात रखना। समान नागरिक संहिता, UCC का मतलब क्या होता है? सीधा सिंपल सवाल, UCC का मतलब क्या होता है? भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। कितनी सुंदर बात और कितनी अच्छी बात है, और ये आम मानस के पटल पे उनको अच्छा लगेगा सुन करके कि कितनी अच्छी बात है, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, है ना? लेकिन ठीक है, इसके हम और गहराइयों में जाएंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का उत्तरदायित्व है। आज जिस प्रावधान पर बहस हो रही है वह देश के एक राज्य गोवा में लागू है 1869 से। एक्चुअली UCC जो है 1867 में यह कानून बना था और 1869 से गोवा में लागू है। प्रधानमंत्री जी हाल ही में मध्य प्रदेश का दौरा के लिए आए हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो बातें बोली ये उनके शब्द हैं, मैं उन्हें अक्षरशः आपके सामने रख रहा हूं। एक ही परिवार में दो अलग अलग कानून नहीं हो सकते, ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड UCC लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। BJP सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है, ये मोदी जी के शब्द हैं, ये भाषण का उनका अंश है, और तभी से UCC जो है मीडिया में
चर्चा का विषय बन गया। एक्चुअली इस पर चर्चा और बहस बहुत दिनों से चल रही है और बीजेपी अपने घोषणा पत्र में हर बार यूसीसी का जिक्र करती है, पर फिलहाल इन दिनों जो चर्चा हुई तो ये भाषण में जो मध्य प्रदेश आकर जो बोले हैं उस समय से थोड़ा ये तेज हो गया। इस बयान के बाद विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि यह मुसलमानों को उकसाने वाला कदम है। हालांकि हिंदूवादी समूहों और कुछ अन्य धर्मगुरुओं ने भी यूसीसी का विरोध किया है। उन्हें डर है कि यूसीसी आ जाने से अधिकार कम हो जाएंगे। सवाल उठता है, हिंदुओं पर क्या असर पड़ेगा या हिंदुओं की क्या चिंताएं हैं यूसीसी आने पर? आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसी आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्म, जाति और समुदाय के लिए एक समान कानून का प्रावधान है संविधान में। क्रिमिनल कानून जो है हमारे संविधान में वर्णित है, उसके हिसाब से जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उनमें कोई भी भेद नहीं है, सभी लोगों के लिए एक ही जैसा कानून है। दूसरा है सिविल कानून। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होता है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल कानून जो है, उसके अंतर्गत जितनी भी चोरी, लूट, मार पीट, हत्याएं, चाहे वो किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोग करेंगे, सबके लिए संविधान में दंड का विधान एक जैसा है। पर जब हम सिविल कानून में आते हैं, जहाँ पे शादी, ब्याह, संपत्ति का बंटवारा, रीति रिवाज, तो वहाँ पे सारे धर्मों के अलग अलग अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। निजी मामला, शादी ब्याह, संपत्ति का बंटवारा, ये सब तो निजी मामले होते हैं, लेकिन इन निजी मामलों के लिए भी सबके लिए, सब धर्मों के लिए, सारे संप्रदायों के लिए, सारे जातियों के लिए एक ही कानून हो, ये समान नागरिक संहिता कहता है। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। आप समझेंगे सारी बात को, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से आज यूसीसी को समझ लेंगे। यूसीसी लागू हो जाने के बाद दोनों के लिए एक कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। हिंदूवादी संगठन लंबे समय से एक देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून की मांग कर रहे हैं। 14 जून को 22वें लॉ कमीशन ने एक बार फिर से यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया, जो कि मैं आपको पहले बताया।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुस्लिम कम्युनिटी होगी। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से तमाम हिंदू भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। बिंदुवार उस पर हम अभी डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट खत्म हो जाएगा? HUF एक्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट क्या खत्म हो जाएगा? देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे खाना, पूजा स्थल को साझा करना, ये सारी चीज़ें एक साथ में करते थे। यह संयुक्त परिवार को रिप्रेजेंट करता था और यहाँ रह रहे सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे। ऐसे परिवारों के पास कोई बिजनेस नहीं होता था जिसे उस परिवार के कई सदस्य मिलकर एक यूनिट के रूप में चला रहे होते थे। इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF एक्ट कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स में छूट मिलती है। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से HUF खत्म हो जाएगा। दूसरा, दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? मतलब जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, लागू करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, लेकिन उस कानून को बनाने में जो सवाल, जो पेचीदगियां हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। जो लोग आशंका जता रहे हैं, चाहे वो हिंदू संगठन हो या फिर मुस्लिम संगठन के लोग हों या कोई भी संप्रदाय और धर्म के लोग हों, जो आशंका जता रहे हैं, हम उसी बिंदु पे आपको डिटेल से बात कर रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बना था जो कि रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना। ये एक्ट 1954 में लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के व्यक्ति से शादी करने की छूट है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकता है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट में उनको ये छूट है। ये एक्ट दो अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराने और मान्यता देने के लिए बनाया गया है। इसमें की गई शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए किसी धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह करने या औपचारिकता नहीं होती है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग था और यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है। ये थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे। कई संगठनों से यह सवाल सामने आया है कि क्या UCC आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिला के लिए भी विरासत के नियम अलग अलग हैं। विराग गुप्ता, जो कि संविधान के जानकार हैं, बताते हैं कि लाखों सुझावों का अध्ययन करने के बाद विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद संसद से कानून बनने पर ही इन सभी सूक्ष्म बातों पर तस्वीर साफ हो पाएगी। जो मन में उहा पोह है, ये जब विधि आयोग सारे रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और जब संसद से कानून बनेगा, तभी ये मन की आशंका लोगों की दूर होगी, नहीं तो तब तक ये बनी ही रहेगी।
समान नागरिक संहिता का विरोध उन वर्गों में ज्यादा हो रहा है जहां कानूनी प्रक्रिया के बजाय पर्सनल लॉ और धार्मिक आधार पर शादियां इत्यादि के मामले निर्धारित हो रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संविधान के समानता के अधिकार के तहत पुष्ट करना है। तीसरा बिंदु है, क्या आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली प्रथा खत्म होगी? क्या आदिवासी समुदाय में एक साथ एक से ज्यादा पत्नी रखने वाली प्रथा खत्म होगी? अनुसूचित जातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST उन समूहों की सरकारी लिस्ट जो आमतौर पर मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इनकी आदिमाता भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन इन्हें अन्य जातीय समूहों से अलग करता है। आम बोलचाल में इन्हें आदिवासी कहते हैं। देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में ST के रूप में लिस्टेड है, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में 705 आदिवासी समुदाय लिस्टेड हैं। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब थी। 2011 के जनगणना के अनुसार 10.43 करोड़ इनकी आबादी थी। यह देश की कुल आबादी का 8% से ज़्यादा है। दरअसल कई आदिवासी समुदायों में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी हो सकती है। ऐसे में UCC लागू होने से यह प्रथा खत्म हो सकती है। इसलिए आदिवासी राष्ट्रीय एकता परिषद 2016 में ही अपने रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उन्हें आशंका थी कि UCC की बात हो रही है और सरकार जिनकी है आज के डेट में BJP की, वो अपने हर बार के घोषणा पत्र में चुनावों में UCC का जिक्र करते हैं, लागू करने की बात करते हैं, तो आज न कल UCC लागू होगा। इसीलिए वह अपने नियम कानून की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2016 में ही चले गए थे। पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजाति आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं वजहों से पूर्वोत्तर के राज्य में UCC का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। पूर्वोत्तर में आप समझ रहे होंगे 7 सिस्टर्स जो है, मणिपुर, आसाम, मिजोरम, मेघालय, ये सारे जो हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ST की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर UCC का विरोध हो रहा है। चौथा बिंदु है, क्या दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियां नहीं हो पाएंगी? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे बिहार में सिर्फ 3.2% लोग ही अपने कजिन्स के साथ शादी करते हैं, वहीं तमिलनाडु में करीब 26% लोग ऐसा करते हैं। 2015-16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपनी पिता की साइड के फर्स्ट कजिन्स से, 13.2% अपनी मां की साइड के फर्स्ट कजिन से और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। ये तमिलनाडु की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ उदाहरण तो हमने तमिलनाडु का दिया है, लेकिन दक्षिण के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह का रिवाज है। माना जा रहा है UCC आने से जैसे मुस्लिम अपने कजिन से शादी नहीं कर पाएंगे, वैसे ही दक्षिण भारत के ये हिंदू परिवार भी ऐसी शादियां नहीं कर पाएंगे। मतलब UCC आने से जो आज के समय में जो प्रथाएं चली आ रही है उस पर क्या क्या रोक लग सकता है, उन सारे बिंदुओं पे हम बात कर रहे हैं। और UCC लागू करने से पहले ये सारे बिंदुओं पे ज़रूर ही
विचार विमर्श हो रहा होगा और आगे उसी रूप में कानून बन करके सामने आएगा। मतलब सारे विषयों को, जितने बिंदु हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये सारे बिंदुओं पे सरकार की जो कमीशन बनी हुई है वो चर्चा कर रही होगी विस्तृत तरीके से। संविधान के जानकार वही विराग गुप्ता, जिनके बारे में आपको पहले बताया था, संविधान के जानकार हैं। विराग गुप्ता कहते हैं कि यूसीसी में शादी के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातों पर कानून बन सकता है, मतलब संभावना वो जता रहे हैं। पहला क्या है, शादी की न्यूनतम उम्र वो फिक्स हो सभी धर्म जाति संप्रदाय के लिए, शादी की एक न्यूनतम उम्र फिक्स हो। शादी के बाद महिलाओं के जो अधिकार हैं वो पर्सनल लॉ में अलग हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अलग हैं, सिख जैन में अलग हैं, तो ये जो हैं ये सभी के लिए समान हो। तलाक की कानूनी प्रक्रिया, महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार, बच्चों को गोद लेने का अधिकार, ये 5 जो हैं इस पे मतलब विस्तृत चर्चा करके ये कानून के रूप में बन करके आ सकता है। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों के लिए 1956 में कानून बन चुका है, 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट बन चुका है। कानून के अनुसार 2 बालिग लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन अब सेम सेक्स मैरिज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसलिए दक्षिण भारत के हिंदू परिवारों में रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता कानून से ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता बरकरार रखने का संतुलन यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून में रखना होगा। तो अभी इस पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, विधि आयोग का अभी कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई नहीं है। लोग जैसे हम जैसे लोग जो भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो आशंका जता रहे हैं कि इतने क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है, सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और पहले से सबके लिए सिविल कानून में पर्सनल लॉ का प्रबंध किया हुआ है, इसके वजह से थोड़ी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन इस पे गहन विचार विमर्श करके यह कानून पास किया जा सकता है। अभी बीजेपी जो एनडीए है, एनडीए की सरकार, उसमें एआईडीएमके जो तमिलनाडु की है, जिसके के मुख्यमंत्री भी पलानीस्वामी थे, अभी एआईडीएमके को अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हम केंद्र सरकार की इस जो ये कानून ला रहे हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे हम समर्थन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको साउथ के दक्षिण के बारे में बात किया था, जो एक बिंदु रखा था कि दक्षिण में जो शादियां वगैरह जिस तरह से, और वहाँ पे एसटी की आबादी ज़्यादा है, इस वजह से वैसे राज्य जो हैं ये यूसीसी से अपने आप को पीछे हटा रहे हैं, समर्थन नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण तौर पे अपने मुस्लिम संगठन हैं, तो इन लोग विरोध कर रहे हैं, और बहुत जगहों पे हिंदू संगठन भी हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। देखते हैं सरकार इस कानून को किस तौर से, किस तरीके से सामने लाती है, और उसके बाद फिर उसे पढ़कर समझा जाएगा। तो यूसीसी के बारे में मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुने हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ और फिर आगे किसी अन्य मुख्य मुद्दों पर आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।